अब ये फोटो देख लो, ये फोटो देख लो सर। आप अगर आपके स्क्रीन पे आपका जो फोन है या टैब है या लैपटॉप है उस पे अगर दिख रहा होगा, यहां दो प्रकार का बीज है, एक बीज करप्ट हो गया है और एक बीज अच्छा फलवंत हो रहा है। तो जिसके चलते आज आप कौन सा बीज खा रहे हैं, गुड सीड और करप्टेड सीड, आप कौन सा बीज खा रहे हैं आज? वचन है ना, जो प्रभु ने बोया था ना, उसको किसी ने मिलावट करके ना करप्ट कर दिया है। जिसको ये देखो पक्षी, अब आप समझ गए ये कौन है, दुष्ट आत्मा या ये चलेगा आगे। और एक अच्छा बीज है जो फल ला रहा है। तो मैं आपको पूछ रहा हूं आज आप क्या खा रहे हैं, करप्टेड सीड और गुड सीड, कौन सा खा रहे हैं सर आप? मैंने आपको पूछ रहा हूं, मैं अभी आपको, आप खुद को पूछो, अभी खुद को जांचो। अब आपको जोर का झटका और एक ऐसा स्लाइड रख रहा हूं और कन्विंस करेगा और इस बातों को पुख्ता करेगा। अब हम मैसेज के डेप्थ के एंड पार्ट पे भी आ गए, ठीक है ना। आपको गलत खुराक खिलाने के लिए शैतान बाहर से मनुष्य नहीं लाएगा। कहां से लाएगा? वचन पढ़ लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 11:15। सो यदि उसके सेवक भी, किस पीछे फोटो देख लो, सेवक मतलब आप हाथ में बाइबल देख रहे हैं, ये फोटो किसका है ना मुझे नहीं मालूम, मुझे इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैंने सारा इस फोटो का इसलिए लिया ताकि आपको मैं कन्वे कर सकूं। अदरवाइज ये आदमी अगर रियलिटी में भी होगा, ये फेक फोटो नहीं है, अगर ये रियलिटी में होगा तो ये बंदा अच्छा है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ फोटो का सहारा ले रहा हूं, ठीक है ना। आपको गलत खुराक खिलाने के लिए शैतान बाहर से मनुष्य नहीं लाएगा, क्यों? क्योंकि शैतान के सेवक, लिखा है ना, उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें। हाथ में बाइबल है, हमको क्या लगता है यार फेमस प्रीचर है, यार इंटरनेशनल प्रीचर है, यार इसकी मिनिस्ट्री में तो लाखों लोग आते हैं, यार इसने तो मुर्दे जिंदा किए, यार इसने तो ऐसा किया वैसा किया, अरे क्या प्रोफेसी करता है, कभी फेल नहीं हुई। ऐसा व्यक्ति, पौलुस कहता है कि शैतान के भी सेवक अगर धर्म के सेवकों का रूप धरें लेकिन तुमको खिला रहे हैं कचरा, मैनिपुलेट कर वचन की मिलावट करके खिला रहे, तो आपको करना क्या है, आपको बुद्धि इस्तेमाल करना। यार ये फेमस है, ठीक है मानता हूं, यार ये इंटरनेशनल है मानता हूं, लेकिन ये गड़बड़ कर सकता है। तो जो फेसबुक पे इसका उसका फोटो डालकर कि ये अन्य भाषा में बात करता है, ये गलत हो सकता है क्या, वो गलत हो सकता है क्या, ऐसा आदमी गलत हो सकता है क्या, इतना सीनियर है वो गलत हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता। मत्ती 24:24 कहता है, यीशु कहते हैं इवन द इलेक्टेड वन कैन बी डिसीव्ड, यहां तक कि जो चुना हुआ है वो भी बिगड़ सकता है। यीशु खुद बोल रहे हैं, मैं किसी की सेवक को नाम लेकर अपमान करना मेरा मकसद नहीं और मैं नहीं करता और नहीं करूंगा, लेकिन आपको अवेयर कर रहा हूं के मनुष्य के पीछे मत भागो, क्योंकि पौलुस कहता है कि शैतान ने धर्म के सेवक कलिसिया के अंदर नियुक्त कर दिए हैं और बेड़ा गरक हो रहा है, बेड़ा गरक हो रहा है। आपको पता है आखिरी के दिनों में, ये फोटो देख लीजिएगा, इन द एंड टाइम्स, आखिरी के दिनों में एक युद्ध चलता रहेगा दो लोगों के बीच में। तो लिखा है बिग चैलेंजेस फॉर द ट्रू Believers, big challenges, बहुत बड़ी चुनौती है। किसने कहा? डैनियल राज, किसने कहा? यीशु ने कहा, तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे, मत्ती 24:10, तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे। अब इसको देखो, एक दूसरे से बैर रखेंगे, इसलिए यह फोटो रखा, एक दूसरे से नफरत करेंगे। जो खरा प्रचारक होगा ऑब्वियस है, क्योंकि उसको जो करप्टेड सीड है वो पसंद नहीं आएगा। जैसे पौलुस ने कहा कि अगर वो स्वर्गदूत भी हो, मुझ जैसा भी हो, यीशु की बातों को छोड़ कोई और बात करे तो श्रापित है, वो तो लड़ेगा जैसे मैं लड़ रहा हूं, खरी शिक्षाओं को पेश करने के टाइम पे मैं तो नहीं चुप बैठूंगा। तो जो सामने वाला करप्टेड सीड वाला है, ये भी चुप नहीं बैठेगा, ये लड़ेगा हमसे। तो इसलिए यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में, वापस रख रहा हूं, इन द एंड टाइम्स, अंत के दिनों में युद्ध चलेगा साहब, खरे शिक्षकों का, करप्टेड सीड का, गुड सीड का, करप्टेड सीड का, बुरी बीज का, अच्छी बीज का युद्ध तो चलेगा। ये देखो, ये फोटो इसलिए रखा है ताकि आपको मदद मिल सके, समझ सके, एक दूसरे से बैर करेंगे। क्या ऐसी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या ऐसी बातों को हम ये कहें कि अरे यार लिखा है चलो छोड़ो, नहीं। मैं इन सब को क्यों उठा रहा हूं, इन सब पर फोकस क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि ये घटने वाला है और ये घट रहा है। अब ये फोटो क्यों रखा था मैंने,
करप्ट सीड के सेवक अपना खुराक खिलाते रहेंगे। मैं रिपीट करता हूं, करप्ट सीड के सेवक आपको अपना खुराक खिलाते रहेंगे। और पौलुस कहता है कि मिलावटी बहुत है, तो जितने मुंबई के लोग अभी देख रहे हैं, पुणे के, नागपुर के, पंजाब के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, रांची, लखनऊ, यूपी, बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल, आपका जो भी है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका, यूके, यूएसए, जो भी आप है, ये लोग आते रहेंगे, खिलाते रहेंगे और आप खा रहे हैं। अगर आपको डिसन करना नहीं आ रहा, परखना नहीं आ रहा है, आप फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे। इसलिए यीशु ने कहा था, क्या कहा था? मत्ती 12:35 में, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो इसका मतलब है कि दो तरह के मनुष्य हैं, दो तरह के सेवक हैं, दो तरह के पास्टर्स हैं, दो तरह के चर्च चलाने वाले लीडर हैं। एक है भला मनुष्य, दूसरा है बुरा मनुष्य। भला मनुष्य के मन में, उसके भंडार में बुरी बातें, करप्टेड सीड, तो वो खुद ही करप्ट है, तो फिर वो वचन क्या पेश करेगा संडे को? करप्टेड, रख रहा हूं करप्टेड। आप देख रहे हैं, बीज जो बिगड़ गया है ना, जो कौवे दुष्ट आत्मा को प्रतीत करता है उसको खा रहे हैं ना, वो आपको खिला रहा है और आप बिगड़ते जा रहे हो। और इसलिए मुझे भी कॉल आता है कि पास्टर जी प्रार्थना में है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन दुष्ट आत्मा सताती है, बुरे सपने आते हैं, बहुत सारी बातें हैं। सही, करप्टेड सीड। और आप तो इतना मजे से खा रहे हो, दो दो घंटा बैठ के खाते हो उनके बीच में, थाली बजा बजा के खाते हो आप लोग, करप्टेड सीड। करप्टेड सीड है। इसलिए यीशु ने कहा, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। इसीलिए अच्छे सेवकों की खोज करो, ढूंढो जो आपको अच्छा प्रचार कर सके, उनको ढूंढो, उनकी तलाश करो। पता है क्यों? जो अच्छा प्रचारक होता है, 1 तिमोथी 3:5-17, 1 तिमोथी 5:17, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करता है, वेल ऑर्गेनाइज करता है, अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुना आदर के योग्य समझा जाए। ऐसी अच्छे सेवकों की संख्या अभी वर्तमान में मात्र 10% है। कैन यू बिलीव दिस? मात्र 10%। आपको ढूंढना है, आपको पता लगाना है। तो प्रश्न उठता है, कैसे पता चलेगा सिखाने वाला सही है? ? तो आपको बेस्ट तरीका दे रहा हूं, तैयार हैं आप लोग? बेस्ट तरीका दे रहा हूं। उसके लिए सेल्फ स्टडी करना या होनी जरूरी है, आपकी खुद की स्टडी। इसलिए बार बार कहता हूं, खुद पढ़ो। पढ़ना आता है ना, खुद पढ़ो। नहीं पढ़ना आता है, ऑडियो बाइबल, आपका एंड्रॉयड फोन, उसमें बाइबल ऑडियो निकालो, टाइप करो और डाउनलोड करो, सुनो। जेनेसिस टू रेवलेशन सब कुछ है ना सर, आज सब सुविधा है, तो बैठ के सुनो। जिसको नहीं, जिसका कान नहीं चलता, बहरा है, उसने किसी की मदद लेनी है लिख कर कुछ इशारों से, आजकल है बहुत सारे फैसिलिटीज, लेकिन कुछ ना कुछ करके सेल्फ स्टडी रखो। आपको पता होना चाहिए यार क्या चीज है, जिसको कहते हैं ना बेसिक नॉलेज, आपको पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, और कम से कम उतना तो हासिल करो। और ये आता है, जो व्यक्ति अभी आपको प्रचार कर रहा है ना, ये 5वीं क्लास 3 बार फेल है आपके बीच में, जो भी प्रचार कर रहा है, यानी कि मैं। सेल्फ स्टडी। इसलिए पौलुस कहता है गलतियों 4:19 में, हे मेरे बालको, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जचा किसी पीड़ा सहता रहता हूं। मुझे तकलीफ होती है, कैसी तकलीफ? जैसे किसी महिला को बच्चे पैदा करते वक्त में लेबर पेन होता है, वैसा मैं दर्द से गुजरता हूं। और यही दर्द मैं 2 साल से, और खास करके 2014 से लेके चल रहा हूं। अब ये सबको नहीं समझ आएगा ना सर, जिसको दर्द होता है लेबर पेन वाली महिला, वो शॉपिंग करने नहीं जाएगी, वो पिज्जा बर्गर कॉफी लूडो नहीं खेलेगी, उसका तो दर्द है, वैसा मेरा दर्द है, आपको नहीं समझ आएगी। नमस्ते कल बताया था, नमस्ते। उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी, कैसे, किसके लिए, कैसे पता लगाए? सेल्फ स्टडी। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, आपको नॉलेज आएगा, जब आपको नॉलेज आएगा, बातें पता होगी इजिली। अभी मैं जो बात कर रहा हूं ना, जिसकी स्टडी प्रॉपर नहीं है ना, वो मेरे को नहीं कभी समझेगा। इसलिए विवेक कोस ने बोला, यार यहां नहीं उतरता, तेरी स्टडी ठीक नहीं, कहां से उतरेगा? या अब